शब्द जातिवाची शब्द भी नहीं है, व्यक्तिवाची शब्द भी नहीं है। जैन शब्द जिन से बना है, जिन शब्द गुणवाची शब्द है, जो अपने विकारों को, दुर्बलताओं को, दोषों को जीते वो जिन, और जो जिनका अनुयायी है वो जैन। तो जिनको जो माने सब जैन, समझ गए। अब जब जैन शब्द का मूल अर्थ तो यही है, और जिनके द्वारा प्रवर्तित धर्म जैन धर्म, वर्तमान में जैन एक जाति तक सीमित हो गया। वस्तुतः जैन जाति नहीं, जैन विशुद्धतया धर्म है। जो जो जिनके अनुयायी हैं वे जैन हैं, उनके द्वारा आचरित किया जाने वाला धर्म जैन धर्म है, क्योंकि जिनके द्वारा प्रवर्तित धर्म जैन धर्म है। तो जैन धर्म है, जैन जाति नहीं। जातियां तो बहुत सारी है हमारी समाज में, ऐसे देखा जाए तो मानव जाति ही सबसे बड़ी जाति है, लेकिन फिर भी समाज में जो हमारी जाति व्यवस्था है उसमें अनेक प्रकार की जातियां हैं। पहले वर्ण व्यवस्था थी, फिर जाति व्यवस्था हो गई, अब तो सारी व्यवस्थाएं चरमराने लगी। आज भी यहाँ आपके यहाँ जातियां हैं तो जैनियों में कई जातियां, 6 जातियां, नरसिंहपुरा है, दशा, बिशा, हुमड़, चित्तौड़ा, खंडेलवाल, अग्रवाल, सही है ना। ये जातियां हैं, ये जैनियों के भीतर होने वाली जातियां हैं, पर सबका धर्म एक है। हमारे यहाँ 84 जातियों का वर्णन है। जाति भास्कर एक ग्रंथ है, उसमें भारत में प्रचलित सभी धर्मों को मानने वाले जातियों का पूरा वर्णन है। तो जाति अलग है, धर्म अलग है, इसलिए जैनियों को जो अल्पसंख्यक बताया गया वो जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर बताया गया। अब जैन समाज, जो जैन धर्म को माने उनके समूह का नाम जैन समाज बन गया, चाहे वो किसी भी जाति को बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से संबद्ध हो, वो समाज। तो हमें जैन शब्द को बहुत व्यापकता से जैन धर्म हमें एक ऐसे आदर्श जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा देता है जो एक इंसान को श्रेष्ठ इंसान बनने में मददगार बनती है। यदि लोग जैन जीवन शैली अर्थात जैन धर्म में प्रतिपादित जीवन शैली को आत्मसात कर ले तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर जीवन और कुछ नहीं होगा। हमें चाहिए कि जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को हम जन जन तक प्रचारित करें, ताकि लोग जैन जीवन शैली को आत्मसात करके अपना और समाज का कल्याण कर सकें।